अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलादीन सुपर स्पेस व्लॉग, जिसमें मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग, एंट्री टिकट, स्विंग्स एंड राइड्स, टिकट प्राइजेस एंड मैनी मोर। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ राइट साइड पर है अलादीन अम्यूजमेंट पार्क का मेन गेट और लेफ्ट साइड पर है अलादीन सुपर स्पेस जाने के लिए एंट्री गेट। और यहाँ आप देख रहे हैं सुपर स्पेस की फ्लैश टील, जिसे कहते हैं रॉकेट रिक्शा। ये सुपर स्पेस वालों ने अपने कस्टमर्स के लिए फ्री सर्विस दी है, जो आपको अलादीन के गेट से पिक करती है और ड्रॉप करती है सुपर स्पेस के मेन गेट पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जनाब, हम एंटर हो चुके हैं कलरफुल सुपर स्पेस फैंटेसी इंडोर थीम पार्क में। यहाँ पर एसओपीज का पूरा ध्यान रखा गया है। विदाउट चेकिंग एंड विदाउट मास्क आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। एंट्री टिकट था 50 रुपीज पर हेड। सबसे पहले तो ये आइडियल प्लेस है उन लोगों के लिए जिनको पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि यहाँ हर कॉर्नर सुपर डुपर ब्यूटीफुल लाइटनिंग के साथ डेकोर किया गया है। एंटर होते ही साथ आपको नज़र आता है लेफ्ट साइड पर टिकट काउंटर, जहाँ से आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना होता है जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर बैलेंस लोड करवाना है, यानी जितनी राइड्स और स्विंग्स आपको लेनी है उसके हिसाब से आपको बैलेंस लोड करवाना है। या तो आप रिस्ट बैंड की सहूलत भी अवेल कर सकते हैं, जो कि है मंडे टू फ्राइडे 600 और सैटरडे टू संडे 700। मगर याद रहे कि रिस्ट बैंड के अंदर कुछ राइड्स इंक्लूड नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाया गया है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ये राइड जो आप देख रहे हैं ये रिस्ट बैंड के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने इसे सेपरेटली कार्ड लोड करवा कर अवेल किया था। ये राइड है मोनो रेल, जिसमें आपको पूरा का पूरा सुपर स्पेस नज़र आ सकता है। बहुत ही मज़ेदार राइड है, बहुत ही कलरफुल है। एक टनल टाइप का है जिसके अंदर से आपकी ट्रेन गुजरती है। यहाँ से आप सुपर स्पेस को कम्प्लीटली देख सकते हैं। क्योंकि मैंने रिस्ट बैंड नहीं लिया था, तो इसलिए इस राइड के मैंने अलग से चार्जेस लोड करवाए थे कार्ड में, और इसके चार्जेस थे 130 रुपीज़ पर हेड। याद रहे कि जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको सिर्फ एक ही लेना होता है, लेकिन आपको उसके अंदर जो बैलेंस लोड करवाना है वो आप बाकी सब लोगों के लिए लोड करवा सकते हैं, जो भी आपके साथ वहाँ पर गए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं हॉन्टेड हाउस, जो कि रिस्ट बैंड के अंदर इंक्लूड नहीं है और इसके सेपरेटली चार्जेस हैं 200 रुपीज़ पर हेड। और ये राइड है स्पाइरल जेट, जो कि मैंने पर्सनली एंजॉय की है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं सुपर स्पेस का कम्प्लीटली व्यू। यहाँ की तमाम राइड्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे छोटे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, लाइक 7 to 8 years, क्योंकि ये बहुत ही सेफली बनाई गई है। तो बच्चे और बड़े दोनों ही इन स्विंग्स को, इन राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ा गेमिंग एरिया भी है, आर्केड एरिया भी है। यहाँ पर आपको 3D मोशंस राइड्स भी मिल जाती हैं, शूटिंग गेम्स, 3D गेम्स और रिमोट कंट्रोल कार जैसे गेम भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती है, ये आपको बाहर से ही लेनी पड़ती है और अंदर भी लेकर नहीं आ सकते हैं। सुपर स्पेस के बाहर आपको ओपन एयर
फूड कोर्ट एरिया मिलता है, जहाँ पर आपको जब भूख लगे तो आप मज़ेदार फूड इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही कंफर्टेबल कैजुअल इन्वायरमेंट है वहाँ का, आप वहाँ पर भी विज़िट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ से निकलकर हम जाएंगे सुपर स्पेस सेकंड नंबर वाले पे, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं एग्जिट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सुपर स्पेस जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड पर है और जो कि कम्प्लीटली एक्टिविटी एरिया है। जी, तो हम एंटर हो चुके हैं सेकंड सुपर स्पेस पे, जो कि फर्स्ट सुपर स्पेस के अपोजिट साइड पर है, और आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली एक्टिविटी एरिया है जो कि ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए है। देखने में ये बिल्कुल एक क्लब जैसा लग रहा था, और आगे जाकर इसके अंदर जिम एरिया भी था। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो लोग स्विंग्स और राइड से हटकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अल्लाह हाफिज़।